सूत्रों के अनुसार जो खास जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो एक मॉडल ऑफ कॉमन इंफ्रा क्रिएट करने की बातचीत कर रहे हैं एनपीसीआई के साथ, और एक नई एंटिटी का फॉर्मेशन, जो एंटिटी का नाम होगा एटीएम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली ऑफ साइट एटीएम्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनका फंक्शनिंग को मैनेज करेगी और ओवरलुक करेगी। अभी करंट सिनेरियो के अंदर आप देखें तो काफ़ी सिचुएशन में ऑफ साइट एटीएम्स जो है वहाँ पर कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑफ साइट एटीएम्स एक ही जगह के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जगह के ऊपर तीन ऑफसाइट एटीएम्स, तीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होते हैं, तो वहाँ पर एक एटीएम जो होगा जिसके अंदर ज़्यादा फुटफॉल्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा कैश विड्रॉवल हो रहा है या फिर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, तो अंडर दिस एटीएम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो दूसरे दो एटीएम्स हैं वो उसे नॉन एग्जिस्टेंट किया जाएगा, और जो एक जहाँ पर मैक्सिमम फुटफॉल देखा जा रहा है वो एटीएम एग्जिस्टिंग रहेगा और वहाँ पे सारी डीलिंग्स की जाएगी, और ये जो दूसरे दो एटीएम्स हैं उन्हें किस अलग इलाके में रख दिया जाएगा जहाँ पर ओवरऑल फंक्शनिंग या फिर एटीएम्स की ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट जो बेसिक कंसेप्ट है इसका डिस्कशन एनपीसीआई के साथ हो रहा है और आगे जाकर और डिटेल्स के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स अवेट करेंगे before taking any final call on this.